अनियमित माहवारी के कारण, लक्षण और इलाज। ब्लीडिंग के पहले दिन से लेकर अगले महीने की ब्लीडिंग के एक दिन पहले तक का समय मासिक धर्म चक्र कहलाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। औसतन ये चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन कई बार इस चक्र का समय 28 दिन से कम या ज्यादा हो सकता है। हर महिला के जीवन में मासिक धर्म चक्र में अनियमितता होती है। मासिक धर्म चक्र 21 दिनों से लेकर 35 दिन तक का होता है। जब इस अंतराल से पहले या बाद पीरियड आते हैं तो मासिक धर्म चक्र में अनियमितता हो जाती है। इसे हम अनियमित माहवारी या इरेगुलर पीरियड के नाम से जानते हैं। पीरियड का नहीं आना भी अनियमितता ही कहलाता है। अनियमित माहवारी के कारण अधिक व्यायाम या दौड़ कूद करना, वजन का अचानक से बढ़ना या घटना, तनाव होने पर या ज्यादा थक जाने पर, प्रेग्नेंट होने पर पीरियड मिस हो जाते हैं, गर्भ निरोधक दवाइयों के सेवन से भी हार्मोन पर असर पड़ता है। अनियमित माहवारी के अन्य कारण पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS या PCOD होने पर शरीर में मेल हार्मोन लगातार बढ़ते हैं। मेल हार्मोन के असाधारण रूप से बढ़ने पर अंडा सही समय पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण पीरियड अनियमित हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित होने की स्थिति में महिला के शरीर पर बाल और मुहासे आने लगते हैं और उसका वजन भी बढ़ने लगता है। गर्भाशय के फाइब्राइड गर्भाशय मतलब यूटेरस में होने वाले गांठ, ये ट्यूमर की तरह होते हैं लेकिन इससे कैंसर का खतरा नहीं होता है। यूटेरस में फाइब्राइड्स होने पर पीरियड्स प्रभावित होते हैं। ओवेरियन सिस्ट का निर्माण, ओवेरियन सिस्ट तरल पदार्थों से बनी हुई एक थैली होती है। ये सिस्ट महिला के दोनों अंडाशय में भी बन सकता है। इस तरह के सिस्ट में कुछ खास लक्षण नहीं दिखते हैं लेकिन इनसे पीरियड अनियमित हो सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का विकार, हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथ होती है जो थायराइड बनाती है। जब ग्रंथ जरूरी मात्रा में थायराइड नहीं बना पाती है तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये भी मासिक धर्म में अनियमितता का एक कारण हो सकता है। शुगर का ज्यादा बढ़ना, जब डायबिटीज का लेवल बढ़ता है तो इसका असर पीरियड्स पर भी पड़ सकता है। अंडाशय का नष्ट हो जाना, अंडाशय जब अंडे बनाना बंद कर देते हैं तब ये धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ऐसा 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में भी हो सकता है। इसे प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर कहा जाता है। अनियमित माहवारी के लक्षण, पीरियड्स का सही अंतराल में न होना, 21 दिन के पहले हो जाना या 35 दिन के बाद होना, पीरियड मिस होना, लगातार 2-3 पीरियड मिस होना अनियमित पीरियड्स के ही लक्षण होते हैं। बहुत ज्यादा या कम ब्लीडिंग होना भी अनियमितता है। पीरियड के साथ उल्टी, दस्त, दर्द या ऐठन होने पर इन्हें सामान्य नहीं कर सकते। पीरियड खत्म हो जाने के बावजूद हल्का स्पॉटिंग होना भी इसका एक लक्षण होता है। डॉक्टर को कब दिखाएं? जब ज्यादा खून या 7 दिन से ज्यादा समय तक ब्लीडिंग होने पर आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। 2-3 महीने तक पीरियड मिस होना भी चिंता का विषय है। अगर 3 महीने से ज्यादा पीरियड मिस होता है तो आप किसी गायनोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। अनियमित माहवारी का इलाज, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल को हम एक सर्किट कह सकते हैं जो हमारे दिमाग और अंडाशय को जोड़ती है। हार्मोनल थेरेपी की मदद से इस सर्किट में बदलाव कर सकते हैं। शरीर में हार्मोन की अस्थिरता और इनोव्यूलेशन से जुड़ी परेशानियों को हार्मोनल थेरेपी की मदद से दूर किया जा सकता है। मासिक धर्म चक्र में लगातार अनियमितता होने पर आप डॉक्टर से हार्मोन थेरेपी से जुड़े सवाल कर सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी में कई इलाज शामिल होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां, IUD यानी गर्भ निरोधक उपकरण, बर्थ कंट्रोल पैच, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बना होता है। इसे स्किन में लगाना होता है, मतलब पेट पीठ का ऊपरी हिस्सा आदि में लगाया जाता है, जिससे शरीर पैच से हार्मोन को अवशोषित कर अंडा अंडाशय तक नहीं पहुंचने देता है। ये प्रेगनेंसी से बचने का एक उपकरण है जो शुक्राणुओं को यूटेरस तक नहीं पहुंचने देता है। बर्थ कंट्रोल पैच का असर एक हफ्ते में दिखाई देना शुरू हो जाता है। अनियमित माहवारी से निपटने में यह मदद साबित होता है। बर्थ कंट्रोल शॉट, ये एक इंजेक्शन है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। इसे महिला के बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद अंडे का निर्माण होना बंद हो जाता है। बर्थ कंट्रोल शॉट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन ये अनियमित मासिक धर्म से भी छुटकारा दिला सकता है। बर्थ कंट्रोल शॉट लेने के 3 महीने तक प्रेग्नेंट होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल वे महिलाएं भी कर सकती हैं जो स्तनपान कराती हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। ओरल गर्भनिरोधक गोलियां, गर्भनिरोधक ओरल पिल्स हार्मोन्स को संतुलित करने का कार्य करते हैं। मासिक धर्म चक्र की अनियमितता को समाप्त करने के लिए ये सबसे आसान उपाय है। ये गोलियां ग्रुप में आती हैं जिनका सेवन हर दिन एक ही समय पर करना चाहिए। गर्भनिरोधक गोलियों का 2 ग्रुप होता है, एक ग्रुप में हार्मोन होते हैं और दूसरे में प्लेसिबो का सेट होता है। ये गोलियां 3 तरह के पैक में उपलब्ध होती हैं।
एक 21 दिन का पैक, एक 28 दिन का पैक और एक 91 दिन का पैक। डॉक्टर के बताए गए समय और तरीके से ही इनका सेवन करें। अगर किसी ब्रांड की गर्भ निरोधक पिल से मासिक धर्म की अनियमितता दूर नहीं होती है तो दूसरे ब्रांड की गोलियां इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऐसा सिर्फ डॉक्टर से पूछने के बाद ही करें, क्योंकि इनके कई तरह के साइड इफेक्ट भी होते हैं। गर्भ निरोधक पिल्स कई प्रकार के होते हैं, इसमें ट्राइफेसिक, मोनोफेसिक आदि शामिल होते हैं। ट्राइफेसिक में हार्मोन का डोज 3 अलग अलग मात्रा में होता है। वहीं मोनोफेसिक गोलियों में हर तरह के हार्मोन बराबर मात्रा में होते हैं। ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। ऐसा भी कई गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिनमें सिर्फ एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन होता है। ये गोलियां आपके शरीर में सीधा प्रभाव डालती हैं, इसलिए डॉक्टर से बिना पूछे किसी भी टैबलेट का सेवन करना खतरे से खाली नहीं है। मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करने के लिए सिर्फ बर्थ कंट्रोल पिल्स ही नहीं बल्कि बर्थ कंट्रोल पैच और बर्थ कंट्रोल शॉट, वजाइनल रिंग जैसे और भी दूसरे उपाय होते हैं। दूसरी बीमारियों का इलाज जिससे पीरियड अनियमित होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म का इलाज। थायराइड ग्रंथि भी शरीर में हार्मोन बनाती है, इससे ही शरीर का मेटाबॉलिज्म घटता और बढ़ता है। हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होने से माहवारी आने का समय अधिक हो सकता है। थायराइड ग्रंथि के टिश्यू का इलाज करके हाइपोथायराइडिज्म से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके इलाज के लिए एंटी थायराइड दवाइयां दी जाती हैं। एंटी थायराइड दवाइयों में मेथिमाजोल भी शामिल होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर मेथिमाजोल की ही सलाह देते हैं। इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं और इसका सेवन कुछ ही मात्रा में करने से अनियमित मासिक धर्म से छुटकारा मिल जाता है। पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर का इलाज। पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर होने पर ज्यादातर ओव्यूलेशन नहीं होने की शिकायत होती है, तब हार्मोन संतुलन बनाए रखने के लिए गर्भ निरोधक दवाई लेना चाहिए। PCOD के इलाज का यह पहला कदम है। अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर है और वजन भी ज्यादा है तो सबसे पहले वजन कम करना होगा। माहवारी से निपटने के अन्य उपचार, शराब से दूरी बनाए। मासिक धर्म में अनियमितता का कारण ज्यादा शराब या कैफीन युक्त पदार्थ का सेवन भी होता है। सिगरेट, शराब, कैफीन आदि का सेवन इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, इससे हार्मोन असंतुलन और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अनियमित पीरियड से छुटकारा पाने के लिए शराब और कैफीन युक्त चीजों का कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, अगर संभव हो तो नहीं करना चाहिए। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या प्रोसेस्ड फूड के सेवन से भी पीरियड प्रभावित होते हैं। इनके सेवन से खून में शुगर बढ़ जाता है। व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ और हार्मोन संतुलित रहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को हफ्ते में 5 दिन व्यायाम करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनका समय खेलकूद में व्यतीत होता है या जो एथलीट हैं, उनमें मासिक धर्म की अनियमितता बार बार देखी जाती है, इसलिए डॉक्टर से जरूर सलाह लें। क्या अनियमित पीरियड्स गर्भधारण में प्रॉब्लम करते हैं? अनियमित पीरियड्स बाँझपन का कारण बन सकते हैं। असामान्य ओव्यूलेशन बाँझपन के 40% मामले में जिम्मेदार होता है। मासिक धर्म में देरी और असाधारण ब्लीडिंग का मतलब है कि अंडे का उत्सर्जन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, इसे इनोव्यूलेशन कहते हैं। इनोव्यूलेशन कंसीव की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, इसलिए जांच कराकर उचित इलाज कराना जरूरी होता है। पीरियड्स का अनियमित होना कोई आम परेशानी नहीं है, ये आंतरिक रोगों की वजह से भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको अनियमित पीरियड्स के कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो देरी न करते हुए किसी अच्छे गायनोलॉजिस्ट से संपर्क करें। इसमें लापरवाही बरतने पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।